दोस्तों वो दिन आ ही गया, आज फाइटर मूवी रिलीज हो चुकी है भाई। पुलवामा का जो बदला है, जो एयर स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई थी, वही चलचित्र हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए जनता बहुत एक्साइटेड थी। क्योंकि भाई उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में जो हमें सीन देखने को मिले थे, वो पूरा ऑपरेशन गूज़बम्प्स देकर जाता है, और वही दोबारा से फील करने के लिए जनता फिर से उत्सुक है भाई, बेताब है। तो अभी आज फाइनल एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे। आज मतलब डे वन के लिए फाइनल एडवांस बुकिंग इतनी है, और बस थोड़ी देर में हम भी निकल रहे हैं, और मूवीज के रिव्यू आउट होने शुरू हो गए भाई। पब्लिक रिव्यू जहां पर अर्ली मॉर्निंग में शोज थे, वहां से रिव्यू जाने शुरू हो गए, और भाई जबरदस्त आ रहे हैं। लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं एक्शन के मामले में, भाई लोग इमोशनल हो गए आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि लास्ट में इमोशनल बहुत ज्यादा कर दिया है। क्योंकि यस, मैं समझ सकता हूं भाई, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में जैसा कनेक्शन उन्होंने सेट किया था, वही कनेक्शन यहां पर भी सेट करने की पूरी कोशिश करेंगे मेकर्स, और बिल्कुल भी करेंगे। क्योंकि भाई पैट्रियोटिज्म वाला जो हिसाब किताब है, अगर वो ढंग से ना बैठाया तो क्या ही फायदा। क्योंकि भाई देशभक्ति पर मूवी बनाई जा रही है, और एक ऐसे सीरियस एंड गर्मा गर्म टॉपिक पर मूवी बनाई जा रही है, जिसपे भाई लंबे समय तक डिबेट भी चली थी और बहुत ज्यादा चर्चे में भी चला था। तो अभी देखते हैं फाइनल एडवांस बुकिंग आज डे वन के लिए कितनी है, कलेक्शन कितना करेगी आज डे वन के लिए ये। उसके बाद भाई सीधे रिव्यू पे मिलेंगे, मूवी रिव्यू बस कुछ देर में निकलते ही है। हिंदी 2D से अगर मैं बताऊं तो 3,21,49,000 की एडवांस बुकिंग हिंदी 2D से करी है आज डे वन के लिए, जहां 1,25,868 टिकट बेचे हैं, 8,565 शोज हैं हिंदी 2D में। हिंदी 3D की बात करें तो हिंदी 3D में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है भाई, 4,32,43,000 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन वहां से हुई है, 1,38,503 टिकट टोटल सोल्ड आउट करे हैं, एंड 6,340 सो जाएंगे खाते में। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो 58,14,000 का एडवांस कलेक्शन वहां से किया है, 10,119 टिकट बेचे हैं और 117 सो जाएं। हिंदी 4DX 3D की बात करें तो 21,74,000 का कलेक्शन वहां से किया है, जहां 3,793 टिकट बेचे हैं और 133 सो जाएंगे खाते में। हिंदी आइस 3D की बात करें तो 4,54,240 रुपए का एडवांस कलेक्शन वहां से किया है, 782 का टिकट बेचे हैं इन्होंने और 11 सोच हैं इनके पास। हिंदी IMAX 2D की बात करें तो भाई साहब 1,48,490 का एडवांस कलेक्शन वहां से किया है, 302 टिकट बेचे हैं और 3 सोच हैं इनके खाते में। ऑल इंडिया मतलब ऑल 6 वर्जन, जितने भी ये वर्जन हैं, सबको मिलाकर टोटल कलेक्शन सिर्फ एडवांस से आज डे वन के लिए किया है 8,40,00,000 का, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई साहब। इस मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, हाई बजट मूवी है भाई, बहुत भारी भरकम बजट है। सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर का नाम जुड़ा है, ऋतिक रोशन जैसे मेन लीड में स्टार जुड़े हैं, उसके बाद अनिल कपूर एंड दीपिका पादुकोण भी सपोर्टिंग में देखने को मिलने हैं, बावजूद उसके भाई उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन हाँ, आज डे वन है, आज के बाद अगर जो रिव्यू आते, पॉजिटिव रिव्यू अगर आ गए इस मूवी को हर एक यूट्यूबर्स की तरफ से या बहुत लोगों की तरफ से अगर पॉजिटिव रिव्यू आ गए, तो भाई साहब कल के बाद जो हाल देखने को मिलेगा सिनेमाघर में, भाई फटने को तैयार होंगे। क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्लेक्सिबल हॉलीडे रहेगा, और यस उसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, तो इन 3 दिनों में जो फाड़ के जाएगी मूवी, अगर आज वो आज पे डिपेंड करता है, अगर मूवी के रिव्यू पॉजिटिव आ जाते हैं तो टोटल टिकट इन्होंने आज डे वन के लिए सोल्ड आउट करी है 2,79,367 टोटल सोच इनके खाते में है 15,469 भैया। एडवांस बुकिंग नेशनल चेन्स की बताएं, वो PVR INX एंड सिनेपोलिस को मिला के तो 1,45,000 का टिकट उन्होंने वहां सोल्ड आउट करे हैं। आज ये टोटल डे वन पे कितना कलेक्शन कर सकती है, मतलब ओपनिंग क्या रह सकती है भाई, अभी अर्ली एस्टिमेट अगर देखें तो लगभग 30-35 करोड़ इंडिया से आते दिख रहे हैं, एंड 40 करोड़ के आसपास ओवरसीज को मिलाकर, मतलब डे वन के लिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, डे वन पर कितना करेगी, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करेगी, और बाकी मिलते हैं मूवी रूवी में। जय हिंद।